मैं राजस्थान की लोक कथा में बहुत अभ्यास नहीं किया हूँ। मैं उड़ीसा से आता हूँ। एक उड़ीसा में हमारी एक कहानी है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है, शायद यहाँ भी वो कहानी होगा अपनी भाषा में, अपने कोलोकियल ऑफिस के साथ। शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता है, वो एक नदी के किनारे बैठ जाता है और कई सारे चीज का पिटोरा लेके बैठता है कि जो मैं आजकल साधु हो गया हूँ, मैं अब शिकार नहीं करता हूँ, जो मेरे पास आएगा उसको मैं सोने की कंकड़ दूंगा। ये गहलोत साहब की हालत ऐसे हो गई और कांग्रेस पार्टी उससे खराब हो गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रहा है कि दलितों के ऊपर अत्याचार की एक नंबर राज्य राजस्थान। गरीब किसानों को धोखाधड़ी देके 19,000 नोटिस भेजने वाला राज्य राजस्थान। अशोक गहलोत साहब उसकी नेता। ये ऐसे वो कहानी जैसे हो गया, शेर बूढ़ा हो गया है, अभी शिकार कर नहीं सकता है, अभी हिरण को प्रलोभन दे रहा है कि मैं सोने की कंकण दूंगा। ये धोखाधड़ी ना तब हिरण ने समझा था, ना आज राजस्थान की जनता उसको समझेगा। भाई, आपकी खानदान की, आपकी बड़े लोगों की खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सत्ता में रहे, राज्य में आपके पास लंबे समय सत्ता कई राज्यों में रहा। आपने सब गरीब कल्याणकारी योजना, SC की चिंता, ST की चिंता, पिछड़ों की चिंता किया है क्या? मैं याद दिलाना चाहूंगा गहलोत साहब को। गहलोत साहब बड़े अनुभवी नेता है। गहलोत साहब थोड़ा उसका उत्तर दे। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को क्या उन्होंने आजादी के उपरांत नेहरू जी ने लागू किया था? जब देश में पिछड़ों के बारे में BP मंडल साहब की रिकमेंडेशन आई, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे 77 में, उसी में एक कमिटी बनी, कमिटी 80 में रिपोर्ट दे दिया। कांग्रेस पार्टी 10 साल उस रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहा। VP सिंह साहब की सरकार के समय में वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं ऑन रिकॉर्ड आज जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना चाहता हूँ, उन दिनों की कांग्रेस पार्टी की बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भाषण को खुलासा किया जाए, उन्होंने इस समंडल कमीशन की रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन को पुरजोर विरोध किया था।